सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो पिछली बार माइनक्राफ्ट में मेरे घर से ना डायमंड चोरी हो गए। मैं पिछले 10 सालों से गया था डायमंड माइन करने। आज हाँ, मेरे डायमंड चोरी हो गए थे जब मैंने उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया किसने चोरी किए, तो पता चला वो और कोई नहीं या मेरे पड़ोसी शर्मा जी है। शर्मा जी, ये देखो, उन्होंने ऐसे मेरे घर के नीचे से सुरंग निकाल के मेरे 3 स्टैक ऑफ डायमंड की चोरी किए थे। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे डायमंड मिल तो गए, लेकिन मैंने सोचा शर्मा जी पे एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। ये तो क्या पता वो अगली बार फिर से ऐसे ही करे और मेरे डायमंड फिर से चुरा ले। तो मैं चलो एक बार काम करते हैं, हम शर्मा जी के पास जाके उनसे बातचीत करते हैं। अगर वो कहेंगे कि अगले बार से वो ऐसा नहीं करेंगे, मेरा मतलब है अगले बार से अगर वो डायमंड चोरी नहीं करेंगे तो फिर हम उन्हें माफ़ कर देंगे, नहीं तो फिर हमारे पास सबूत तो है ही। तो सुरंग वाला घंटी बजाओ, अभी चलो शर्मा जी के पास। क्या वो घर पर आ गए शर्मा जी? अरे बारिश हो गई यार, चलो चलो फटाक से। शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी आपने मेरे डायमंड चोरी किए ना? नहीं तो कौन से डायमंड? शर्मा जी आप झूठ मत बोलिए, मुझे आपके चेस्ट में से ना मेरे 3 स्टैक्स ऑफ डायमंड मिल चुके हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने कोई डायमंड चोरी नहीं किया। शर्मा जी मेरे पास सबूत है कि आपने मेरे घर आपके घर से लेकर मेरे घर तक एक सुरंग बनाई है। क्या कुछ भी बोल रहे हो, मैंने तो कोई सुरंग नहीं बनाई है। शर्मा जी हमारे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। शर्मा जी मेरे पास प्रूफ है। प्रूफ है तो जाके पुलिस स्टेशन में दिखाओ, मुझे मत बोलो। ठीक है शर्मा जी, मैंने सोचा अगर आप माफी मांगेंगे तो मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा, लेकिन अब तो मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। गाइस शर्मा जी तो नहीं मान रहे, अब तो एक ही ऑप्शन है, हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। लेकिन गाइस उसके पहले एक बार ये बारिश बंद हो जाए फिर चलते हैं। तो ओके गाइस, लगता है बारिश बंद हो गई है, अभी हम चलते हैं फटाफट से पुलिस स्टेशन। तो लो गाइस आ गए अब हम पुलिस स्टेशन, चलो अंदर चलते हैं। यहाँ का जो चीफ इंस्पेक्टर है उसी से बात करते हैं कि हमारे पास प्रूफ है, सब कुछ है, आप शर्मा जी को अरेस्ट कर लीजिए। हेलो सर। हेलो अब तुम बताओ फिर से यहाँ क्यों आए हो? सर वो जो मेरे 3 स्टैक्स ऑफ डायमंड चोरी हुए थे ना, वो मुझे मिल गए। अच्छा ठीक है, मिल गए तो हम अभी तुम जाओ यहाँ से। सर मैं ये बताना है कि जिसने वो मेरे 3 स्टैक्स ऑफ डायमंड चोरी किए वो मेरे पड़ोसी शर्मा जी है, मुझे उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है, उन्हें अरेस्ट करवाना है। अच्छा तुम्हारे पास क्या सबूत है? सर आप आइए मेरे साथ और मेरा घर चेक कर लीजिए, वहाँ पे एक सुरंग जा रही है। अच्छा ऐसी बात है? हाँ सर। ठीक है तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, आप जल्दी आइए। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। हाँ हाँ सर मैं जा रहा हूँ। गाइस सर ने तो कह दिया कि वो आ रहे हैं, अभी हम भी चलते हैं फटाफट से घर पहुँचते हैं। तो ओके गाइस हम घर आ गए, मुझे लगता है सर भी आ गए होंगे। हाँ हाँ आ गए सर। सर चलिए अंदर चलिए, सॉरी सर आपको गलती से लग गई। सर एक मिनट, यहाँ पे सुरंग थी? सर मैं झूठ नहीं बोल रहा, सर सही में यहाँ पे एक सुरंग थी। तुमने फिर से हमारा टाइम वेस्ट करवाया। नहीं सर यहाँ पे सही में एक सुरंग थी, यहीं पर थी, जस्ट यहीं पे दो ब्लॉक की सुरंग थी यहाँ पे। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं सर तुमने ये दूसरी बार किया है, इसलिए अब हम तुम्हें अरेस्ट करते हैं। सर अरेस्ट? सर यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा, सही में यहाँ पे दो सुरंग, एक सुरंग थी यहाँ पे दो ब्लॉक की, यहाँ पर थी। तो क्या मैं अंधा हूँ, मुझे ब्यूटी दिख रही फिर? नहीं सर लगता शर्मा जी को पता चल गया कि आप आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने फटाफट से भरवा दी सुरंग। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, चलो पुलिस स्टेशन मेरे साथ, तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ मैं। सर मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? सर शर्मा जी को करिए ना, उन्होंने मेरे डायमंड चोरी किए। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। सर सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं करूँगा। गाइस सर को पटाने के लिए ऐसे बोलता हूँ मैं, अगर सर हमें माफ़ कर देंगे तो फिर हम यहाँ से बच के अगली बार कोई अच्छा प्लान बना के शर्मा जी को फंसाएंगे। सॉरी सर, सॉरी प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दिया, अगली बार से ऐसा मजाक नहीं करूँगा।
नहीं, चलो तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर। चलो नहीं तो तुम्हें शूट कर दूंगा। सॉरी सॉरी सर, सॉरी, चल रहा हूँ चल रहा हूँ। सर आप आइए ना पहले, आप आगे आगे चलिए ना। नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। ठीक है सर। गाइस सर ने तो अभी हमें अरेस्ट कर लिया। शर्मा जी ये सब आपके वजह से हो रहा है, आपसे ये बदला तो लेके रहूंगा मैं। गाइस पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। तुम आ गए? हाँ सर मैं आ गया सर। प्लीज सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, अगली बार से ऐसा मजाक नहीं करूंगा सर। नहीं तुमने ये दो बार किया। सर सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। चलो अब तुम कोर्ट चलो पहले। चलो तुम कोर्ट चलो पहले। कोर्ट? सर कोर्ट क्यों सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज मैं आपके सामने झुकता हूँ सर, प्लीज। नहीं तुम्हें चलना ही पड़ेगा। सर अगर मैं नहीं आऊंगा तो शूट कर दूंगा। सर कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो ना। ले दे के बात कर दो मेरे से, एक शूट आउट। सर कुछ ले दे के मामला सेटल कर दो ना। ले दे के मुझसे ले देने की बात करते हो? सॉरी सर सॉरी, आइंदा से नहीं करूंगा। सॉरी सर मैं कोर्ट जाता हूँ सर, आप आइए ना। मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। गाइस अभी सर ने हमें कोर्ट जाने कह दिया है, नहीं जाएंगे तो ये साले सर सब मुझे शूट कर देंगे एक ही बार में। यार बारिश आ रही है गाइस, बारिश रुक गई, अभी चलते हैं हम कोर्ट, नहीं तो फिर ये लोग शूट कर देंगे। मुझे मरना नहीं है इतनी जल्दी। यार मेरी गलती नहीं है शर्मा जी, आपसे तो मैं बदला लेकर रहूँगा। वो रहा हमारा सामने कोर्ट, द जस्टिस ऑफ द कोर्ट इज ऑलवेज राइट बट टुडे इट्स रॉन्ग। सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैं उससे गलती होगा, मैं ऐसा सामने उधर जो जज रहेगा उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ाऊंगा तो क्या पता माफ़ कर दे। तो ओके गाइस हम आ चुके हैं, ये कोर्ट है, शायद से हमें यहाँ से एंट्री नहीं करनी है, यहाँ से नहीं इस वो दूसरी तरफ भी ऐसा है एंट्रेंस का, लगता है हमें वहाँ से एंट्री करनी है। हाँ ये रहा, ये जो यहाँ पे वो रहते ना कैदी लोग, ये हमारा एरिया है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते शर्मा जी, आप यहाँ? हाँ मुझे पुलिस वालों ने बुलाया कि तुम हमारे खिलाफ झूठी झूठी कंप्लेंट करने आए थे। शर्मा जी मैं झूठी झूठी कंप्लेंट करने नहीं आया था, मैं सही कंप्लेंट करने आया था, आप ही ने मेरे डायमंड चुराए हैं। क्या कुछ भी बोल रहे हो, जब साहब मैंने कोई भी डायमंड नहीं चुराए। हाँ हाँ मुझे पता है कि तुमने नहीं चुराए, यही लड़का बार बार पुलिस स्टेशन में जाके मजाक कर रहा है। चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? जज साहब मेरा नाम सब्सक्राइब है। अच्छा काम क्या करते हो? सर वैसे तो अभी कुछ काम नहीं करते, पिछले 10 साल से माइनिंग पे गया था, वही डायमंड शर्मा जी ने मेरे से चुरा लिए थे। अच्छा इतना झूठ, इतनी अच्छी कहानियां बना देते हो। सर मैं कोई कहानियां नहीं बना रहा सही सही में। ये अदालत सब्सक्राइब को अगले आने वाले 5 सालों तक की जेल में अरेस्ट, ये अदालत सब्सक्राइब को अगले आने वाले 10 साल तक जेल में रहने की सजा सुनाती है। सर प्लीज माफ कर दीजिए सर, प्लीज सर प्लीज सर प्लीज माफ कर दीजिए, ऐसा मजाक नहीं करूंगा सर प्लीज। भाई तुम्हें यह करना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें पुलिस को, नहीं तो तुम्हें शूट आउट करवा देंगे, शूट करवा देंगे नहीं तो तुम्हें। चल ठीक है जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। गाइस ये कहाँ फंस गया मैं तो शर्मा जी को फंसाने आया था, ये मैं कहाँ फंस गया? अब तो लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना ही पड़ेगा। ओके गाइस अब हम आ चुके हैं पुलिस स्टेशन। हाँ आ गए। सर कहाँ पे हैं? सर से एक और बार रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज। नहीं तुमने ये चीज 2 बार की है। सर माफ कर दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं करेगा सर। नहीं तुम्हें गिरफ्तार होना ही पड़ेगा। सर ठीक है सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। जाओ भी नीचे, अंडरग्राउंड हमारा जेल है, वहाँ जाओ। सर मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लग रही है? जी हाँ सर। रुको तुम्हें खाना देते हैं। जी हाँ सर बहुत भूख लग रही है। ये थोड़ा सा खाना लो, बाकी सब हमें दे दो। सर मेरे पास बस आपने जो अभी खाना दिया उसके अलावा और कुछ भी नहीं है सर। ठीक है चलो अभी नीचे जाओ, अरेस्ट जेल में जाके रहो आज से तुम।
ठीक है सर, जा रहे हैं, लगता है यही है गाइस जेल। हाँ यही है लगता है। चलो 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 बंद कर देते, नहीं तो क्या पता बोलेगा बंद नहीं क्या तुमने। कौन से वाले? ये तो फुल है। इसमें? हाँ हाँ इसी में। अच्छा लगता है वो ऊपर से आवाज़ दे रहे हैं हमें, यहाँ पे लगता है कहीं माइक वाइक लगा होगा। गाइस मैं आई एम अरेस्टेड। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। आप चाहते हो कि मैं इस जेल को तोड़ के यहाँ से भाग जाऊँ तो इस वीडियो पे आने चाहिए 7 लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।